योगी जी, राहुल, शिवराज सिंह जी, अमित शाह जी, केजरीवाल जी, कैसे खाट पे बैठी हुई हो? ये जो मैं अपने हाथ से बर्गर बना के तैयार कर रहा हूँ, इन्हें उठा उठा के खाओ। अरे आज मैंने तुम लोगों को फिर से दावत पे बुलाया है, और देखो आम के पेड़ के नीचे खाट डाल दिए, आम के पेड़ की ठंडी ठंडी छांव के नीचे बर्गर खाओ, खाओ उठा के। मोदी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। बहुत दिन से बर्गर खाने का मन कर रहा था, फास्ट फूड की कोई दुकान अपने गांव में है नहीं, बर्गर खाने के लिए शहर जाने की सोच रहा था। अच्छा हुआ आपने गांव में ही बर्गर की दावत दे दी। लेकिन राहुल, सच बताऊं, ये बर्गर मुझे कोई खास पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते बर्गर। मोदी जी, अगर दो चपाती बना के आप थोड़ा सा देसी घी लगा के लाल वाली मिर्च की चटनी के साथ दे देते तो मुझे ज्यादा पसंद आती, लेकिन ये बर्गर की दावत मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब योगी जी एक बात बताओ, राहुल को बर्गर इतना पसंद है, वो शहर खाने के लिए जाने की सोच रहा था, और तुम्हें बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अमित शाह जी, आप कैसे चुप बैठी हो, आपको बर्गर पसंद है कि नहीं है? मोदी जी एक बात बताओ, मुझे बर्गर पसंद नहीं होगा तो किसे पसंद होगा? मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है, और मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ, मैं एक बर्गर नहीं तीन बर्गर खाऊंगा। लेकिन अमित शाह जी, मैंने सब लोगों के लिए एक ही एक बर्गर बनाया है, आप तीन बर्गर क्यों खाओगे? अरे मोदी जी चलो कोई बात नहीं है, मुझे दो बर्गर दे देना, तीन नहीं खाऊंगा, दो तो बर्गर खाऊंगा ही खाऊंगा, और आम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बर्गर खाने का मजा ही निराला है। वाह मोदी जी, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, इतनी गजब की दावत दी है आज मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया, बर्गर तो खाना मुझे भी बहुत पसंद है। योगी जी, आपको बर्गर खाना क्यों पसंद नहीं है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे बर्गर खाना तो मुझे बहुत पसंद है, अमित शाह जी को भी बर्गर बहुत पसंद है, और राहुल को भी बहुत पसंद है, शिवराज सिंह जी तुम कैसे चुप बैठी हो, तुम तो बोलो तुम्हें बर्गर खाना पसंद है? केजरीवाल जी क्या करूं, दिल तो कह रहा है बर्गर खा लूं, लेकिन पेट कह रहा है बर्गर मत खाओ, क्योंकि मेरा तो पेट बिल्कुल फुल है, अभी 20 रुपए के गोलगप्पे अखिलेश के ठेले पे से खा के आया हूँ। तो शिवराज सिंह जी एक बात बताओ, जब मेरे यहाँ पे तुम दावत खाने के लिए आ रहे थे तो तुम्हें अखिलेश की दुकान से गोलगप्पे खा के आने की क्या जरूरत थी, पेट को खाली करके आते, अब ये बर्गर कौन खाएगा? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, हम आम जनता से मालूम करते हैं कि कौन किसको वोट दे रहा है, कौन कितना मजबूत है, चलो आओ देखते हैं। और भाई साहब जो आगे आप खड़े हो, आप किसको वोट दे रहे हैं? पत्रकार महोदय जी, ये बात हम आपको क्यों बताएं, हम किसको वोट दे रहे हैं, ये बात तो हमारे दिल में है, दिल की बात है। अरे भाई इस गांव में तीन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप तीनों में से किसको वोट दे रहे हैं बताओ तो। मैंने अभी आपको साफ साफ बता दिया कि हम नहीं बता सकते हम किसको वोट दे रहे हैं, ये बात हमारे दिल में है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। चलो छोड़ो, मुझे लगता है तुम नहीं बताओगे। अरे काली टी शर्ट वाले भाई, आप बताओ इस बार किसके जीतने की उम्मीद है, किसको वोट देंगे आप? अरे ये बात तो मेरे मन में है कि मैं किसको वोट दूंगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वोट की बात मैं किसी को नहीं बताता हूँ, चाहे वो मेरा कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। अरे भाई बता दीजिए, इसी से तो हम इस गांव का एग्जिट पोल बताएंगे कि कौन जीतने वाला है, किसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। वो आगे वाले भाई साहब कह रहे हैं उनके दिल में है जिसको वोट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके मन में है जिसको वोट दे रहे हैं, और भाई पिंक टी शर्ट वाले भाई आप बताना आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार। इस बार तो मैंने अपने दिमाग में फांस लिया है जिसको भी वोट देना है, मेरे दिमाग में है ये बात, मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो मैं मतदान पेटी के पास ही जाकर मोहर लगाऊंगा। अरे बड़ा अजीबोगरीब लोग हैं इस गांव के, कोई बताना ही नहीं चाहता कि किस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं ये लोग, कोई कह रहा है मेरे दिल में है, कोई कह रहा है मेरे मन में है, कोई कह रहा है मेरे दिमाग में है प्रत्याशी, लेकिन उस प्रत्याशी का नाम अपने मुंह पर नहीं ला रहे, जुबान पर नहीं ला रहे। भाई साहब मैं आपको बता सकता हूँ किसको वोट दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया, कम से कम आपने मुंह तो खोला, बताइए किसको वोट दे रहे हैं आप। अरे उस प्रत्याशी का नाम मुंह पर आते आते रह गया, अचानक मैं भूल गया किसको वोट दे रहे हैं। अरे भूल गए, कैसी अजीबोगरीब बात करती हो, अभी कह रहे थे तुम, मैं बता रहा हूँ। अरे बताने का मन तो था लेकिन मैंने विचार बदल लिया, अब नहीं बताऊंगा। अरे भाई आप बताना जरा, आप किसको वोट दे रहे हैं आप? मेरे पड़ोस में जो प्रत्याशी है मैं तो उसी को वोट दे रहा हूँ भाई, साफ साफ बता देता हूँ। अब तुम ये पता कर लो कि मेरे पड़ोस में कौन सा प्रत्याशी है। अरे इस गांव के सब अजीबोगरीब लोग हैं, किसी ने भी खुल के नाम नहीं लिया कि कौन किसको वोट दे रहा है। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी, इंडिया गेट चलोगे? इंडिया गेट चलोगे अपना ऑटो लेके? और भाड़ा क्या लोगे? भाड़ा भी बताओ अपना। अरे राहुल, ये ऑटो हमने कोई देखने के लिए थोड़ी लिया है, भाड़े पे चलाने के लिए लिया है। जरूर छोड़ देंगे तुम्हें इंडिया गेट। 50 रुपए लूंगा तुम्हें इंडिया गेट छोड़ने के। ऐसा है मोदी जी, 30 रुपए ले लेना, जल्दी चलो और जल्दी छोड़ दो, मुझे बहुत काम है, लौट के घर भी आना है जल्दी वापस। चलो राहुल, ना तुम्हारे ना मेरे 80 रुपए में चलो, जल्दी चलो, बैठो जल्दी। हाँ मोदी जी, 80 रुपए बिल्कुल ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, अपने ऑटो को जल्दी स्टार्ट करो। लेकिन राहुल, मैंने स्टार्ट भी कर दिया और गियर भी डाल दिया और अपने ऑटो की फुल एक्सीलेटर भी कर दी, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या बात है, ये वहीं का वहीं जाम है। अखिलेश, और जोर से खींच, और जोर से खींच पीछे को ऑटो को, और जोर से खींच। बहुत ताकत है मोदी जी के ऑटो में। और मोदी जी जैसी देखने के लिए उतर के आए ऑटो से कि ऑटो बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे, तुरंत भाग जाना, छिप जाना, पीछे को खींच। वैसे योगी जी, आज मोदी जी भी चक्कर में पड़ जाएंगे, आखिर ऑटो में हो क्या गया, ऑटो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता अपना पीछे खींच रहे हैं। भैंसे राहुल, आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे ऑटो के साथ। अरे सारे गियर डाल दिए, एक्सीलेटर भी फुल है, लेकिन ऑटो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। राहुल उतर के देखना जरा, क्या बात है? अरे मोदी जी, मैं उतर के क्यों देखूं? मैं तो एक बार ऑटो में बैठ गया तो बैठ गया, अब अपनी मंजिल पे उतरूंगा जाके, इंडिया गेट। तुम उतर के देखो तुम्हारे ऑटो में क्या बात है, बेकार खटारा ऑटो लिए फिरते हो। चलो ठीक है, मैं ही पीछे उतर के देखता हूँ आखिर ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। अरे भागो अखिलेश, भागो, जल्दी जल्दी भागो, मोदी जी आ रहे हैं, उतर के आ रहे हैं पीछे देखने के लिए, जल्दी भागो, जल्दी भागो। अरे अब भागो भागो कर रहे हो, इतनी देर से उनका ऑटो पीछे को रोके पड़े हो। ऐसा करो, पीछे को छुप जाओ, पीछे को छुप जाओ, आ रहे हैं मोदी जी। अरे पीछे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ तो। अरे दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ अब फिर से। आ जाओ अखिलेश, आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से ऑटो रोकते हैं, मोदी जी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑटो को। आज मुझे इस राहुल को किसी हाल में भी इंडिया गेट देखने नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाओ अखिलेश। अरे राहुल, ये तो फिर से नहीं बढ़ना है, क्या बात है, आज ऑटो में हो क्या क्या? आज मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, उतर जाओ तुम। आज मैं पहले इस ऑटो को किसी मिस्त्री को दिखाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा कलूल को। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों भाई राहुल, इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए, ये बताओ? क्लास खत्म होने वाली है, अब पढ़ने के लिए आए हो तुम? बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? अरे मोदी सर जी, मम्मी ने पराठे बनाने में देर कर दी, अगर मैं जल्दी आ जाता तो मेरा लंच बॉक्स रह जाता, पराठों के चक्कर में रुक गया मैं। पराठों के चक्कर में स्कूल का टाइम ही भूल गए? अब जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाती ऐसी खड़े रहो बेंच पे। चलो लालू जी, आप बताओ हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी और किसने की थी? अरे भाई मोदी सर जी, मेरे सामने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थोड़ी हुई थी, जो मैं बताऊंगा, और कब किसने की थी मुझे नहीं पता है। क्या बात है लालू जी, तुम्हारा जवाब सुन के तो मैं धन्य हो गया। ओवैसी जी, ब्लू को हिंदी में किस कलर को कहते हैं? जी मोदी सर जी, ब्लू को हिंदी में पानी कहते हैं, पानी। अरे ओवैसी जी, पानी कैसे कहते हैं? ब्लू को तो हिंदी में नीला रंग कहते हैं, नीला रंग। अरे मोदी जी, आप नीला रंग कहते होंगे, मैंने तो यही सुना है कि आज ब्लू है पानी, पानी। क्या बात है ओवैसी जी, क्या बात है, लगता है मुझे इस टीचर की नौकरी से जल्द संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा अखिलेश, तुम बताओ 2+4 कितने हुए? अरे मोदी जी, ये तो मुझे पता है, 6 हुए 6। बहुत बढ़िया अखिलेश, तुमने सबसे अच्छा जवाब दिया। एक सवाल और बताओ, 4+2 कितने हुए? अरे ये तो मुझे पता नहीं है मोदी जी, कल को याद करके आऊंगा तभी बताऊंगा आपको। मैं तो समझ ही रहा था अखिलेश, तुम रट्टा मार के आयो, 2+4 6 बता दिए तुमने, लेकिन जब मैंने उल्टा करके पूछा 4+2 कितने हुए, तुम नहीं बता पाए। केजरीवाल तुम बताओ, अच्छा कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? अरे भाई मोदी सर जी, मैंने तो बनवाया नहीं था, कह देता हूँ, लेकिन हाँ जिसने भी बनवाया था उसका नाम मेरी जुबान पे रखा है, याद नहीं आ रहा है, याद करके बताऊंगा जब मैं कल क्लास में आऊंगा, तभी आपको बता दूंगा कि किसने बनवाया था कुतुब मीनार को, फिलहाल मैंने नहीं बनवाया था। अरे मोदी सर जी, इससे पहले मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी किताबें किसी ने चुरा ली है, मैं कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, मुझसे कुछ मत पूछना। क्या बात है योगी जी, तुमने पहले ही बहाना तैयार कर लिया। अरे तुम्हारी किताबें तो 1 महीना पहले चुरी थी और तुमने खरीद भी ली है अब। चलो घंटी बज गई, मेरी क्लास यहीं खत्म होती है, कल योगी जी सवाल पूछने की शुरुआत मैं तुम्ही से करूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।